मेहंदी का मिक्सचर मैं रेडी करने जा रही हूँ। मैंने डिटेल वीडियो इन प्रोडक्ट्स की दे दी है पाउडर की हेयर्स पर, और सेम जो करी लिप्स का मैंने आपको दिखाया था प्रीवेंट। हाँ बहुत से हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिना के बारे में, मेहंदी के बारे में, जो मैं पर्सनली मेरी फेवरेट है और मैं उसे अप्लाई करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने न्यू पैकेट नायका से मंगवाया है, मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूं। तो फिर ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, इससे बेटर कोई हिना नहीं हो सकती। आप इसको अप्लाई करके ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर देखें, और बहुत अच्छी हिना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैं ये आपको बताऊँगी। आपको 250 रुपीज़ में 500 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है। नथिंग बेटर देन दिस, रियली नथिंग बेटर देन दिस। सॉरी, मेरा भतीजा है वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैं कैसे इस हिना को अप्लाई करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। मैं इसमें 3-4 पाउडर और ऐड करती हूँ, नेचुरल हर्बल है पाउडर हैं, जैसे कि रीठा वगैरह, कुछ भी जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। कुछ फिनिश हो गए हैं, मैं उन्हें पर्पल से ऑर्डर करूँगी। एल्स गुडनेस के मुझे पर्सनली बहुत पसंद है पाउडर, जो भी उनके आते हैं, रीठा आंवला पाउडर सब कुछ। तो मैं ये सब कुछ ऐड करके आपको लगा करके दिखाऊंगी कि कैसे लगाती हूँ। मगर ये मेहंदी आप ज़रूर से लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ऐड करूँगी हिना पाउडर के साथ, और वो पाउडर है हमारे हैबिकस एंड मेथी पाउडर, और सेकंड है हमारा आंवला रीठा सीकाकाई पाउडर, और थर्ड है हमारा करी लिप्स पाउडर। ये तीन पाउडर मैं अपने हिना में हर बार मिक्स करती हूँ। और गुड़हल, हैबिकस के जो फूल होते हैं, गुड़हल के फूल भी आप सुखा करके उसमें मेहंदी में मिक्स कर सकते हैं। मैंने अभी फूल तोड़ करके, मतलब पेस्ट बना के भी मेहंदी में डाल दिया है, और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। आप इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसे बहुत लोगों ने लगाया है उस, और बहुत ही ज़्यादा मुझे लाइक्स और व्यूज़ उस पर मिले हैं, 4000 से अबव। और आप उस तरीके से अपना हेयर मास्क लगा सकते हैं, जिससे आपके बालों में इचिंग वगैरह और थिक हेयर्स होंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी और बहुत अच्छी। और सॉरी, फर्स्ट पाउडर हमारा है करी लिप्स पाउडर, जो कि 150 ग्राम इसकी नेट क्वांटिटी है, और ये आता है 175 रुपीस में, जो कि बहुत अच्छा होता है। करी लिप पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसके आप आई स्लीपिंग मार्क्स बना के लगाना बहुत इफेक्टिव है। पटेटो जो जितना इफेक्टिव होता है उतना ही, तो ये मैं अपने बालों में ऑलवेज लगाती हूँ और बहुत इफेक्टिव होता है ये। आप स्ट्रेंथेंस हेयर फॉलिकल्स, मॉइस्चराइज द स्कैल्प, स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, 100% प्योर नेचुरल, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, नो एनिमल टेस्टेड, इन एल्स गुडनेस के प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री होते हैं, क्रिएट फॉर ऑल हेयर टाइप्स, बहुत अच्छे इफेक्ट करते हैं हमारे हेयर्स पर। और सेम जो करी लिप्स का मैंने आपको दिखाया था प्रीवेंट, हाँ बहुत से इसका फेस मास्क भी बनाते हैं, मैंने आई स्लीपिंग मास्क बनाया था, बहुत अच्छा वर्क किया था। और इसमें है प्रीवेंट एक्ने एंड गिब्स ग्लोइंग स्किन, रिच इन विटामिन बी एंड एमिनो एसिड, 100% प्योर नेचुरल, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, और नो एनिमल टेस्टिंग, क्रिएटेड फॉर ऑल स्किन टाइप। बहुत अच्छे पाउडर हैं, आप जरूर से लें। और हिना में तो ये बहुत बालों के लिए तो बेस्ट ही है, करी लिप पाउडर, हैबिकस एंड मेथी पाउडर, थर्ड हमारा है ये आंवला रीठा सीकाकाई पाउडर, जो आपको 150 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है 260 की, क्योंकि ये तीनों पाउडर मिक्स है, इसलिए ये थोड़ा उनसे थोड़ा कॉस्टली है। आपको 260 प्राइस है, और सेल्फ लाइफ 2 ईयर है, आपको 150 ग्राम मिल जाता है। ने आप महंगे महंगे शैम्पूस वगैरह 600-700 के पैक्स लेते हैं, आप ये यूज़ करो, नेचुरल चीज़ यूज़ करो, तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। स्लोली वर्क करते हैं मगर बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। मैं अपने मेरे हेयर शॉर्ट हैं, तो मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग ही मेहंदी घोलूंगी, थोड़ा मेहंदी। उसके लिए मैंने चाय पत्ती का पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरा पानी गर्म हुआ है, चाय पत्ती का पानी, यहाँ मेरा चाय पत्ती का पानी गर्म हो गया है, और पूरा चाय पत्ती का जो कलर होता है सब कुछ पानी में घुल गया। अब उसको
किसी स्ट्रेनर से एकदम छान कर मैं ग्लास में कर लूँगी। और अब आपके सामने मैं अपना मेहंदी कैसे रेडी करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मेहंदी का मिक्सचर मैं रेडी करने जा रही हूँ, मैंने डिटेल वीडियो इन प्रोडक्ट्स की दे दी है पाउडर की। तो अब मैं अपनी, मेरे बाल छोटे हैं, मैं नुपुर लेना जितना मुझे, तो अब मैं इसमें अपना तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें अपना नुपुर हिना डालने जा रही हूँ जितना मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ और ये आपको लोहे की कढ़ाई में ही घोले, अगर आपके पास नहीं है बर्तन मेहंदी का, मेहंदी घोलने के लिए, ये तो मैं लेकर आई थी स्पेशली मेहंदी घोलने के लिए छोटा सा बर्तन, और ये लोहे का है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको जितना बालों में लगेगा उतनी आप हिना इसमें डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे डाल लिए, ये मैंने मेहंदी लगा डाल ली है सॉरी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी जो हमने बनाया था। मैं इसमें डाल रही हूँ हैबिकस एंड मेथी पाउडर, ये जितना आपके, आपको एक चम्मच तक आप डाल दीजिए हैबिकस एंड मेथी पाउडर। और जो जो नेक्स्ट है हमारा आंवला रीठा सीका का ये पाउडर है, यहाँ मैं वो ले रही हूँ। और फिर मैं ले रही हूँ हमारा करीली पाउडर, ये रहा। अब सारे पाउडर जो हमने डाल लिया हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने तीनों पाउडर ऐड कर दिए हैं, तो अब मैं इसको चाय का जो पानी घोला था उससे मिक्स कर दूँगी, ये रहा। अच्छे तरीके से हम इसका एक पेस्ट बना देंगे। पेस्ट आप ज़्यादा मतलब पतला नहीं बनाएं, फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मेहंदी यहाँ वहाँ पर गिरती है। आप एक थिक पेस्ट बनाएं अच्छे से, फिर वो अच्छी तरह लगा रहेगा 4 से 5 घंटे तक और वो इधर उधर नहीं फैलेगा। सो फाइनली मेरा हिना का पेस्ट बन करके रेडी है अच्छा सा थिक, और इसको आपको रात को ही बनाना है। रात को या दिन में भी आप इसका पेस्ट इस तरीके से रेडी कर सकते हैं, मगर आपको कम से कम 8 से 9 घंटे तक इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, फिर आपको अप्लाई करना है। तो अब मैं इसको सुबह के टाइम अप्लाई करूँगी, 5 से 6 घंटे तक लगा रहने दूँगी। अब मैं कैसे अप्लाई करती हूँ ये मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊँगी। तो प्लीज़ अगर यहाँ तक अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया जब मैंने हिना अपने हेयर्स में अप्लाई की थी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। और ये देखो मैंने अप्लाई की और मैंने नेक्स्ट डे हेयर वॉश किया था शैम्पू से, सेम डे मैंने खाली पानी से ही बालों को धोया अच्छे तरीके से और नेक्स्ट डे मैंने शैम्पू किया। ये है एक्चुअल कलर जो आया है, मेरे काफ़ी ब्लैक हेयर्स हैं और धूप में ये बरगंडी कलर जो होता है उस तरीके से शाइन करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।